Good afternoon, everyone. Welcome at GK Rajasthan YouTube channel. So guys, let us start important question of English, right? Okay guys, आज हम लोग ढेर सारे question English के महत्वपूर्ण करेंगे, right? So first, you will make an effort, then I will tell you the right answer. पहले आप कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा. देखिए क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग इंडिया कॉम्प्लेक्स एन. अब आपको इसमें प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन इंसर्ट करना है. सुटेबल प्रीपोजिशन इंसर्ट करना है. चलिए बताइए क्या होगा. पहले आप कोशिश करेंगे, फिर फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर. So please and please make an effort, right? Okay, I will tell you the problem of housing in India. Okay, in. तो क्या हो जाएगा, of or in? एक बार बोल के देख लेते हैं. The problem of housing in India is complexion. The problem, बोलिए मेरे साथ, repeat करिए. The problem of housing in India is complex one. Okay? I hope याद हो गया होगा. चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं. Next question is, देखिए only the blood stained road was witness his assassination. क्या है, only the blood stained road. Blood stained मतलब होता है खून से सना हुआ रोड, राइट. वॉज विटनेस हिज असैसिनेशन. असैसिनेशन मीन्स होता है हत्या करना, स्पेशली किसी राजा वगैरह की हत्या के लिए, किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या के लिए असैसिनेशन प्रयोग किया जाए. जैसे द किंग वॉज असैसिनेटेड. बोलिए मेरे साथ, द किंग वॉज असैसिनेटेड. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, क्या लगाओगे, विटनेस टू होता है, विटनेस टू. अब आप यहां विटनेस टू इंसर्ट करके आप दो तीन बार बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे, जब ही आएगा आप कर लेंगे. बोलिए विटनेस टू, विटनेस टू, विटनेस टू, विटनेस टू, टू टू टू. ओके, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले आप लोग कोशिश करिए, आफ्टर हैविंग टी, चाय पीने के बाद, आफ्टर हैविंग टी. गाइस मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, आफ्टर हैविंग टी. फिर मैंने क्या किया, he settled himself his armchair. मैं अपने लिए, after having tea I settled myself armchair. बताइए क्या होगा. पहले आप कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा. I think बहुत ज्यादा लोग गलत करेंगे इसमें, बट मैं आपको कारण भी बताऊंगा. ठीक है, क्या होगा, into होगा. आप बताएं क्यों into होगा. ध्यान दीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूं कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, देखिए अगर आर्म चेयर, देखिए मैं एक आर्म चेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर आर्म चेयर है, राइट, ये आर्म चेयर है, ठीक है, ये आर्म चेयर, ठीक है, ऑलराइट, ओके. आई एम नॉट वेरी गुड पेंटर, मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ऑलराइट. अगर आर्म चेयर है, जिसपे आर्म चेयर है, देखिए मैं हूं, ठीक, मैं थका हरा आया, बहुत थका हूं, इतना थका हूं चल फिर नहीं पा रहा हूं, और गया धड़ाम से कुर्सी के अंदर बैठ गया. ठीक, तो मैं आया और जंप करके यहां बैठ गया. ठीक है, तो इनटू चेयर होगा. क्यों, क्योंकि मैं पहले से नहीं बैठा था, मैं थका था और आया धड़ाम दे अपने आर्म चेयर में कूद गया. राइट, आई होप समझ में आ गया. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आन क्यों नहीं होगा, तो बेटे आन वहां होगा. देखिए जैसे ये वाला चेयर होगा आपका, मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, जैसे ये वाला चेयर नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो इस पर अगर कोई बैठा हुआ है तो इसमें बोलेंगे ही सैट, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर. अगर कोई टेबल पर बैठा है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई टेबल है ना, अगर कोई टेबल पर बैठा है, ऐसे टेबल रखा है कोई, ठीक है, अब इस पर कोई बैठा है तो ही इज सिटिंग ऑन द टेबल. आप बताइए समझ में आ गया, आ गया, ओके. अगर समझ में आ गया तो डेफिनेटली यू रिमार्क, यस सर आई अंडरस्टूड, आई रियली अंडरस्टूड. तो बोलिए कि
After having tea, बोलिए after having tea, he settled himself into कहाँ into oh my god लिख लो आराम से भाई into his armchair. After working a lot, I sat into my armchair. Oh my god, very comfortable, right? Okay. Next. I hope सबको समझ में आ गया है. Okay. चलिए देखिए the Indian magpie indulges a long fight. Indian magpie indulge in long fight. Indulge means क्या होता है? व्याप्त होना, लिप्त होना. ठीक है. Okay, बहुत अच्छा आंसर है. बताइए क्या होगा? Indulge in होता है. जैसे he is indulged in crime. She is indulged in crime. बोलिए मेरे शांत. He is indulged in crime. She is indulged in crime. He is indulged in crime. ऐसे बोल दीजिए स्माइल के साथ. टेंशन लेके अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे आप. टेंशन लेके अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे. स्माइल एंड स्पीक, रीड एंड राइट विथ जॉय. सी मी गाइस, आई टीच मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7. द होल डे आई टीच इंग्लिश बट I enjoy it. And you also enjoy it. मैं enjoy करता हूँ, आप भी enjoy करिए. Work को enjoy करेंगे तो कोई problem नहीं होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Alright, next question. Okay. बताइए. A study mind मतलब तेज दिमाग वाला क्या होता है? Triumphs difficulties. क्या होगा? Triumphs मिस्टेक थोड़ा सा हो गया यहाँ. ये ऑप्शन होना चाहिए था ओवर. आई एम सॉरी, एक ओवर ऑप्शन होना चाहिए था. तो आप बताइए क्या होगा इसमें, जल्दी बताइए. प्लीज टेल मी यू फर्स्ट, पहले आप बताइए. गुड, तो डेफिनेटली ये ओवर ही होगा. आफ्टर स्टडी स्टडी माइंड, एक जो दृढ़ विचार वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अपने समस्याओं से क्या होता है, overcome of difficulties. He triumphs over. Triumphs के साथ क्या लगेगा, over. बोलिए triumphs means होता है विजय प्राप्त करना. Triumphs over, triumphs over, triumphs over. I will triumph over of my all difficulties of life, all difficulties of my life. अपने जीवन की सारी समस्याओं से मैं हट जाऊंगा. ठीक है. Okay. Now next. इसमें देखिए क्या है, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है. राइट. इसमें सेंटेंस की मान लीजिए टू हाउ आई से, आप क्या इसमें लगा दोगे जो आंसर सही हो जाएगा. टू, अब ये हाउ के जगह पे आप ऐसा क्या लगाओगे, हाउ के जगह पे क्या लगाओगे, बोलिए जल्दी करिए. तो हो जाएगा यहां पे लगा दीजिए डू एज आई से, यहां पे एज हो जाएगा. हेलो गाइज, डू एज आई से, डू एज योर पेरेंट्स इज, do as your if you are married husband says, do as if you are married your wife says. बोल लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा. Okay, okay, get on, get on. अब देखिए पढ़िए इसको. Though a hero, he acted coward. इसमें आप बताइए क्या होगा. Coward word को replace करके हमें सही लिखना है. Though a hero, वो है हीरो है, लेकिन क्या है, ही एक्टेड कैसा, कैसा व्यवहार किया, बताइए कौन सा होगा. ही एक्टेड कावर्डली, ही एक्टेड कावर्डली, ही एक्टेड कावर्डली. ओके, नाइस. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन. वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बताइए They were all astonished at his failure in the examination. बताइए क्या होगा. जो इस क्वेश्चन का आंसर बता लेगा मैं उसको 1000 times salute करूंगा, और उसके सिलेक्शन के चांसेस भी 99.9 रहेगा. ओके, क्या होगा बताइए क्या होगा. For, on, from, in, क्या होगा बताइए. Hurry up guys, जल्दी करिए. Okay,
No correction, I'm sorry. Really sorry, correct है sentence. Astonished के साथ at ही लगता है. I am astonished at your behavior and you are astonished at my behavior. Okay? बोल के देख लीजिए, आप कभी गलत नहीं करेंगे. चलिए अब बताइए. Okay, due to bad weather, the number of ships crossing the channel last week is very small. Due to bad weather, right? इसमें क्या मिस्टेक है बताइए आप. Due to bad weather, the number of ships crossing the channel last week is very small. बहुत छोटा सा मिस्टेक है. But mistake तो mistake. यानी एक छोटा सा छिद्र टाइटेनिक जैसे जहाज को डुबा सकता है. डुबा सकता है, जिंदगी उसकी बेकार कर सकता है. छोटा सा छिद्र. तो देखिए ध्यान से पढ़ेंगे. Due to bad weather, खराब मौसम होने के कारण क्या हुआ. द नंबर ऑफ ships, बहुत सारी जो जहाजे थी क्रॉसिंग द चैनल, जो चैनल को क्रॉस कर रही थी, क्या हुआ. लास्ट वीक, पिछले सप्ताह. तो क्या इज होगा बताइए क्या होगा. डेफिनेटली वाज होगा. सही हो गया. डेफिनेटली लास्ट वीक है ना, तो इज कैसे होगा. वाज होगा, पास्ट में होगा ना. ओके बहुत बढ़िया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी वेट. ओके नाउ शी इज द टॉलेस्ट गर्ल. शी इज अ टॉलेस्ट गर्ल. शी इज अ टॉलर गर्ल. राइट आंसर क्या होगा. इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं आपके सामने, बताइए जल्दी से. ओके द टॉलेस्ट होगा. क्या होगा. द tallest girl. She is the tallest girl in my class. You are the tallest boy in my YouTube channel. Okay, let's go. Now, अब देखिए यहां आपको क्या करना है. यहां आपको लिखना है idioms and phrases. आपको idioms and phrases बताने हैं. बताओ भैया क्या होगा. अरे आप To Bell the cat. चूहा और बिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी, राइट. बिल्ली से बहुत ज्यादा चूहे परेशान थे. उन लोगों ने एक मीटिंग किया. मीटिंग में चूहों ने कहा कि अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया जाए, जरूर सुना होगा कहानी आप लोगों ने, यदि बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया जाए तो जब भी बिल्ली आएगी हम लोग भाग जाएंगे. सब लोग ने यस यस, अच्छा आइडिया है. बट जो सबसे सीनियर चूहा था, लेकिन उसने कहा बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा कौन. कौन जाएगा, मतलब पहला कौन व्यक्ति है जो इतना बड़ा रिस्क लेगा. तो हु विल बिल द कैट. डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए. टू टेक लीड इन डेंजर. बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मैं कह दूं शेर के गले में घंटी बांधकर चले गए, जब आएगा शेर पता चल जाएगा, तो जो जाएगा बांधने तो शेर उसका आरती थोड़ी उतारेगा, हाथ जोड़ के नमस्कार थोड़ी करेगा, पूजा थोड़ी करेगा, ठीक है. तो मांसाहारी वो पाएगा. समझ रहे हैं आप लोग. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एक्स टू ग्राइंड. अपना ही उल्लू सीधा करना. बहुत सारे लोग बहुत स्वार्थी होते ही नहीं होते हैं. बहुत सारे लोग हा? हमारी स्थिति है, आपकी स्थिति है, हमको तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, राइट. तो बहुत सारे अपने उल्लू सीधा करने वाले लोग होते हैं. तो क्या होता है भाई, क्या टू कैच व्हाट टू मेक पर्सन प्रॉफिट आउट ऑफ सिचुएशन. ठीक है यही होगा, टू मेक अ पर्सन प्रॉफिट आउट ऑफ सिचुएशन. वह व्यक्ति जो हमेशा अपने फायदे की सोचता हो. ठीक है. ओके ओ माय गॉड नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए ओके विच वन विल बी द राइट आंसर टू गेट इनटू हॉट वाटर. ओ माय गॉड, आप सोचिए गर्मी पड़ रही हो और टू गेट इनटू हॉट वाटर कैसा रहेगा. आपको मजा आएगा. नो मजा नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी, टेंशन होगा, प्रॉब्लम होगी. ओके कैसी प्रॉब्लम होगी. टू गेट इनटू ट्रबल होगा क्या. टू एंटर वाटर सीटेड होगा क्या. टू बी इन इंपेशेंट सो एज टू नो. To be in confused state of mind होगा क्या.
बताइए क्या होगा? To get into hot water, to be in impatient नहीं होगा, to get into trouble, to be in confused state of mind, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? To be in a confused state of mind, definitely होगा to be in a confused state of mind, मतलब to get into hot water मतलब होता है बहुत ही परेशानी में हो जाना, बहुत ही टेंशन में हो जाना, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टू थ्रो डस्ट इन टू वंस आई, किसी की आंख में धूल झोंकना, कहते हैं मेरे आंख में धूल मत झोंको, डोंट थ्रो डस्ट इन माई आईज, ओके? क्या होगा? टू पुट इन टू सेम, टू मेक ब्लाइंड, टू डिसीव, है ना? चाहे सी बात है, टू डिसीव होगा, किसी को धोखा देना होता है। डोंट थ्रो डस्ट इन माई आईज मतलब अभी दिन है ऐसा मत करिए ना, ऐसा। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। To fly off the handle मतलब इतना गुस्सा करना कि तलवार ले लो और हैंडल ही गायब हो जाए उसका, बताइए क्या होगा? To break someone, to be indifferently, to act foolishly, to get into rage and lose self control, तो आंसर होगा to get into rage and lose self control, बहुत ज्यादा गुस्सा करने की वजह से एकदम आउट ऑफ टेम्पर, जैसे कुछ लोग गुस्सा करते हैं ना तो सब कुछ हावा मतलब हिलने डुलने लगता है, पूरी बॉडी हिलने डुलने लगती है, मार के लिए गिर जाएगा नीचे, है ना? ऐसी स्थितियां आती हैं, ठीक है? ओके अब आप बताइए, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग को क्या कहते हैं बताओ भैया, पहले आप बताओ। डेफिनेटली एलर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं, छोटिए एलर्जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ गेम इन विच नो वन विंस, कोई ऐसा गेम कोई न जीते ना आप ना हम, जानते होंगे बहुत फेमस वर्ड है, क्या हो जाएगा? द मैच इज ड्रॉन, बोल के देखिए एक बार, द मैच इज ड्रॉन, ओके गुड वन। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। वेट, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, देखिए ये क्वेश्चन है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं? देखिए एक क्वेश्चन ये है और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, टू मच फॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं? तो आंसर बच्चे होगा रेड टैक्टिज्म होगा, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ओके? नाउ अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा? All right, बताइए a speech made without preparation, बताइए पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा, हरी अप, जल्दी बताइए फटाफट, don't waste time, क्या होगा? Okay, very good, extemporary, कोई ऐसा speech जैसे आपने कहा सर प्लीज स्पीक 5 minutes अबाउट pollution, okay, and I spoke, मैंने तैयारी नहीं किया था, आपने पूछा मैंने बता दिया, एक्सटेम्पररी मतलब स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं, ठीक है? एग्जाम भी एक्सटेम्पररी ही होगा, ठीक है? ऑलराइट नेक्स्ट वन, वन हु इज 100 years old, 100 साल बहुत कम लोग जीते, हो सकता है आप लोग दादा बहुत लोग 100 साल के होंगे, लेकिन अब तो जिंदगी की समस्याएं ऐसी हो गई है गाइज कि जीकर हमारा जी भर गया, हाँ ऐसे स्थितियां आ गई हैं, ऐसे फैमिली प्रॉब्लम्स, ऐसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, ऐसे क्लाइमेट प्रॉब्लम कि जीकर हमारा जी भर गया, राइट? लाइट ये बहुत लोग हैं 100 साल जीते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेंटेनेरियन, क्या कहते हैं? सेंटेनेरियन, कहते ना मेरे दादा सेंचुरी पार कर गए, मेरे गांव में दादी हैं वो सेंचुरी पार कर गई, मतलब 100 years लिव्ड, ओके? चलिए अब आपको बताना है सिनोनिम्स बताना है गाइस, ये है आपका सिनोनिम्स, बताइए क्या होगा सिनोनिम्स, जल्दी बताइए फटाफट बताइए, प्रीवी का क्या होगा गाइस? ओके सिक्रेटिव, प्रीवी का क्या होगा? सिक्रेटिव, बोलिए मेरे साथ, डोंट शाई गाइस, प्लीज प्लीज डोंट शाई, अगर आप शर्माएंगे ना सॉरी आप नहीं सीख पाएंगे, राइट? ओके क्या होगा? सेक्रेटिव। अच्छा आप अगला वर्ड देखिए होगा पिल्फॉर्म, पिल्फॉर्म मींस क्या होता है जल्दी बताइए, देखिए गॉसिप स्टील, इधर दो आंसर है, ट्रिपल लॉयटर,
तो बता दीजिए आप लोग राइट आंसर क्या होगा. स्टील होगा. पिल्फर मींस होता है चुराना. पिल्फर मींस स्टील. लेकिन जानते हैं बहुत छोटी मोटी चीज चुराना, जैसे घर पे मिठाई रखी है मैंने दाब दिया मतलब निकाल लिया खा लिया ये पिल्फरेज हो गया. टॉफी 10 रखी है ले लिया. नॉर्मली गाइस बचपन में आपने किया होगा थोड़ा या ज्यादा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. और अगला क्वेश्चन है आपका हॉलोड. हॉलोड मींस क्या होगा जल्दी बताइए. कोशिश करिए कोशिश. हॉलोड मींस क्या होता है. सैक्रेड. सैक्रेड मींस क्या होता है पवित्र. हॉलोड मींस सैक्रेड. बोलिए मेरे साथ हॉलोड मींस सैक्रेड. हॉलोड मींस सैक्रेड. बोलिए प्लीज प्लीज. आई टेल यू मेनी टाइम्स. ठीक है ओके ओके. नेक्स्ट ब्राइडल मींस क्या होगा जल्दी बताइए. ब्राइडल का सेनानिस बताना है आपको क्या होगा जल्दी बताइए. ब्राइडल प्लीज जल्दी खोरिए बताइए. ब्राइडल मींस क्या होगा. क्या होगा शो एंगर. ब्राइडल मींस 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 शो एंगर. 5-7 बार लिख लीजिए. 5-7 बोल लीजिए. तैयार ओके. नेक्स्ट वर्ड है स्लॉथफुल. स्लॉथफुल. स्लॉथफुल क्या होता है गाइस. बोली एम आई स्लॉथफुल. नाउ आई एम नॉट स्लॉथफुल. नो ही इज नॉट स्लॉथफुल. स्लॉथफुल समझते हैं. स्लॉथफुल एक्सप्रेशन दे रहा हूं समझ जाइए. सॉरी लेजी. स्लॉथफुल मींस लेजी. बोलिए स्लॉथफुल मींस लेजी. स्लॉथफुल मींस लेजी. याद हो गया ओके. ऑलराइट लेट्स गो अहेड. अब गाइस आपको बताना है स्पेलिंग. आपको स्पेलिंग बतानी है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है. करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. बताइए क्या होगा. जीनियोलॉजी का स्पेलिंग देख लीजिए क्या होगा. कौन सा होगा. GENEALOGY. जेनियोलॉजी. जेनियोलॉजी. GENEALOGY. GENEALOGY. सो गाइस बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. मात्र 3 क्वेश्चन और हैं. और आई एम क्वाइट श्योर इस 3 क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा स्कोर कर लेंगे. राइट ओके. जेनियोलॉजी होगा राइट. ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन हैरेसमेंट की स्पेलिंग बताना है. देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसका मतलब क्या होता है भाई. जो बार बार आ रहा है इसका मतलब क्या है. दुश्मन बार बार आ रहा है इसका मतलब क्या है. मतलब सावधान रहना है. सावधान रहना नहीं तो खतरा करेगा. तो क्या होगा हैरेसमेंट. HARASMENT. हैरेसमेंट. हे डोंट हैरेस मी. आई डोंट लाइक हैरेसमेंट. नो हैरेसमेंट प्लीज. देखिए स्पेलिंग कैसे याद करेंगे. HARASS राइट. MENT हैरेसमेंट. 2-4 बार लिख लीजिए. HARASMENT. कितनी बार लिखेंगे आप. मिनिमम 20 बार. ध्यान दीजिएगा जब भी मैं एक बार कहूं तो यू हैव टू राइट. मैं एक बार कहूं तो आपको 10 बार लिखना है. कितने बार. इफ आई से वंस यू हैव टू प्रैक्टिस एंड टाइम. इफ आई से ट्वाइस इट मींस यू हैव टू प्रैक्टिस 20 टाइम्स. इफ आई से राइट twice it means you have to practice 30 times. Ready to practice. Yes I'm ready. So grand. Now agla wala to bahut saral hai yaar. Dance karte hue bata loge. Batai interrogative ki spelling kya hogi. Interrogative. INTE. Bata diya clue de diya na karo. Koshish kariye. Kar lenge sabhi log. INTERROGATIVE. Interrogative. ओके. जर्नी की स्पेलिंग बता दीजिए. कितना सरल है रे राम राम. क्या बताऊं इतना सरल क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं है. जर्नी की स्पेलिंग JOURNEY. जर्नी. JOURNEY. जर्नी. हैप्पी जर्नी सर. टेक केयर योरसेल्फ. हैप्पी जर्नी. लास्ट आई विल चेक योर नॉलेज बाय द स्पेलिंग ऑफ. नॉलेज की स्पेलिंग बता दीजिए. देखिए ये है KNOWLEDGE सही है. KNOW बताइए कौन सा होगा स्पेलिंग सही. बताइए जल्दी करिए फटाफट. KNOWLEDGE बताइए 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 बताइए.
आई होप आप जरूर बता दिए होंगे के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी एकदम सिंपल है. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम क्वाइट श्योर टू रियली एंजॉय इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वास्तव में अच्छा लगता है प्लीज शेयर सब्सक्राइब सेंड लिंक टू योर फ्रेंड्स नियर एंड डियर एंड मेनी मोर राइट. ओके गाइज एंड प्लीज पास योर वैल्यूएबल कमेंट्स टू मी. ओके ऑलराइट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड डे ऑल एंड टेक केयर ऑल. थैंक यू.